आज हम करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। पहले इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। जब एनिमल सेल को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, मीन्स जब माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल को देखा जाएगा तो कुछ इस शेप में दिखाई देगी। अब इसके अंदर क्या क्या जो है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने कल आपको बताया था ना कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इस तरह के जैसे जो है लाइबोसोम है, वैक्यूल्स हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जो बाहर वाली जो लेयर है ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमने देखा था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है, तो ये बाहर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में आते हैं गोल्गी ऑपरेटस, जो ये कुछ इस तरह की शेप आपको दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी ऑपरेटस। उसके बाद में राइबोसोम एक बार छोड़ दूँ, ठीक है, उसके बाद में जो सेंटर में ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेंटर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद में देखो ये डॉट वाले जो दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर में कुछ डॉट से दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, ठीक है, ये क्या होते हैं, लाइसोसोम। उसके बाद में देखो ये ट्यूब सी दिखाई दे रही है ना इस तरह की, ये वाली ट्यूब दिखाई दे रही है, इधर भी दिखाई दे रही है, इस साइड भी दिखाई दे रही है, तो ये वाली जैसे देखो ये ट्यूब ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाली इधर भी ट्यूब दिखाई दे रही है, इस साइड भी ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये शेप दिखाई दे रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह। उसके बाद में देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में देखो इस तरह की शेप दिखाई देगी, ठीक है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है इधर देखो आप, तो ये वाला जो पोर्शन न्यूक्लियस के पास में ये जो शेप दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो सारा जो जिसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है, मीन्स गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ये वाले, तो यहाँ पे जो ये पूरा पोर्शन है जिसमें लिक्विड भरा होता है ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो समझ में आया, सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये डायग्राम आपको उतारना है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डॉट से आपको ये दिखाई दे रही है, ट्यूब से दिखाई दे रही है, ये क्या है, गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है, न्यूक्लियस, ये वाला सेंटर वाला पोर्शन ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, लाइसोसोम, जो ये डॉट, ये वाले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ये डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये ट्यूब सी दिखाई दे रही है इस तरह की, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के पास में इस तरह की शेप दिखाई दे रही है ये क्या है, न्यूक्लियस के पास में इस तरह की शेप दिखा रही है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो पूरा लिक्विड जहाँ पे ये जितने भी ऑर्गेनल्स मौजूद हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ इस तरह के डॉट दिखाई देंगे आपको, इस तरह की डॉट दिखाई देंगी, वो डॉट जो दिखाई दे रही है वो क्या है, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट दिखाई दे रही है और वो डॉट क्या है, एंडो जो है वो है राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। प्लांट सेल जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस शेप में दिखाई देगी, प्लांट सेल जब माइक्रोस्कोप में देखी जाएगी तो इस शेप में दिखाई देगी। अब जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर तो सेल वाल प्रेजेंट नहीं होते, एनिमल सेल जो प्रेजेंट होती है उसके अंदर सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट के अंदर सेल वाल मिलती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये क्या है, सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। तो ये बाहर वाली जो लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है, सेल वॉल। उसके बाद में जो ये येलो कलर में आपको लाइन दिखाई दे रही है, येलो कलर वाली ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना येलो कलर में, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में जो ये सर्कल से दिखाई दे रहा, ठीक है, सर्कल सा दिखाई दे रहा, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में है लाइसोसोम, लाइसोसोम जो ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, लाइसोसोम, ठीक है, गोल्गी ऑपरेट, सॉरी ये क्या है, गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है, लाइसोसोम ठीक वैसे ही दिखाई देंगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो इस शेप में, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि जैसे इस तरह की शेप दिखाई देती है, ठीक है, तो ठीक वैसे इसके अंदर भी देखो न्यूक्लियस के पास में ये शेप दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर इस तरह की डॉट दिखाई देंगी वो क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद में है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला जो थोड़ा सा ऑरेंज सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद में देखो ये वाले जो येलो पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये वाला पोर्शन
ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है येलो पोर्शन, तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि ये जो चीजें हैं, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वाल है, ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और पूरी जितने भी ये ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जिसमें लिक्विड भरा होता है, ये पूरा पोर्शन ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, देखो ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, लाइसोसोम जो हो गए वो डॉट दिखाई दे रहे, वो हो गए। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सारी आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है।